हेलो फ्रेंड्स, हम ब्रांच एंड बाउंड मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें इसमें इंटीजर प्रूफ करना पड़ता है। अगर एक्स वन या एक्स टू एक्स थ्री जो भी हमारे पास गिवन होते हैं, अगर वो इंटीजर प्रूफ हो जाते हैं तो हमें ये बाउंड प्रूफ हो जाते हैं। अगर ये इंटीजर प्रूफ नहीं होते हैं तो इसकी ब्रांच बनती जाती है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम इसका सॉल्यूशन इस मेथड का अप्लाई करेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि मिनिमाइजेशन जेड एक्स वन प्लस फोर एक्स टू वो टू सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमारे पास क्या है, टू एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू एट और एक्स वन प्लस टू एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। ठीक है, और एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जीरो। ठीक है, हमारे पास टू कंस्टेंट दे रखी है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसको हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। स्टार्टिंग हम ग्राफिकल मेथड से करते हैं, फिर आगे जाके इसको और सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर x1 और x2 अगर इंटीजर आ जाता है हमारे पास तो ये बाउंड प्रूफ हो जाता है, पर x1 और x2 इंटीजर नहीं होता है तो हम इसको इसकी ब्रांच बनती जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, 2x1 प्लस x2 इसको सबसे पहले इक्वल कर देते हैं 8, और सेकंड क्या है, x1 प्लस 2x1 x2 इज इक्वल टू क्या है, 6। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जीरो प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जीरो रख देंगे तो x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, और x1 क्या है, 0। सेम एक और पॉइंट निकाल देते हैं। ठीक है, x2 अगर हम जीरो कर देते हैं, x2 हम जीरो कर देते हैं तो x1 क्या आ जाएगा, 4। x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इसमें हम करते हैं, x1 अगर हम जीरो रखते हैं, x1 हम जीरो रखते हैं तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, 3, और x1 और x2, x2 अगर हम जीरो रख रहे हैं तो x1 क्या हो जाएगा, 6। अब हमारे पास पॉइंट भी मिल गए हैं, अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब ये वाला हमारा ग्राफ कौन सा है, 2x1 प्लस 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 के लिए। ठीक है, क्योंकि x1 पे हमने 0 लिया था। ठीक है, 0 है x1 पे और x2 पे क्या है, 8, और x1 पे क्या है, 4, और x0 x2 0 है। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा ग्राफ क्या है, ये x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, ये हमारा क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है, तो कौन सा वाला, ये वाला लाइन हमारा लेस देन एंड इक्वल टू, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, और ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो इसका हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, तब इस पे इस पॉइंट की भी हम वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 10, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x2 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो x2 हमारे क्या पास बचा, 4/3। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हम किसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, 10/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10/3 एंड 4/3। तो x1 हमारे पास क्या है, 10/3, और x2 हमारे पास आया 4/3। ठीक है, तो अब हम ना इसमें हम वैल्यू देखते हैं, ये दोनों इंटीजर नहीं है तो इसकी हम ब्रांच बन, इसकी आगे ब्रांच बनेगी। ठीक है, तो इसमें से हम जो बड़ा होता है उसको हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बड़ा क्या है, x1। ठीक है, तो x1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगा, या फिर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसकी दो एलपीपी बनेगी। ठीक है, एक तो इसकी x1 लेस देन इक्वल टू 3 की, और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की सेकंड।
ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या था कंस्टेंट, हम वही ले लेंगे मिनिमाइजेशन, z इज इक्वल टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू, और सेम इधर भी आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है, एक सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है हमारे पास 2x1 प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 8, सेकंड है x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, और x1 लेस देन इक्वल टू 3 लेंगे, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम इधर भी होगा 2x1 प्लस x2 लेस देन एंड इक्वल टू 8 हो जाएगा, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा, x1 लेस देन एंड इक्वल टू 4 यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे दोनों के लिए ग्राफ हो गया। ये जो लाइन थी ये हमारा 3 x1 इज इक्वल टू 3 के लिए, और ये हमारा x1 इज इक्वल टू 4 के लिए है। ठीक है, तो इसका फिजिबल सॉल्यूशन जो कि ये लेस देन इक्वल टू का साइन था, तो इसका फिजिबल सॉल्यूशन ये हो जाएगा, और इसका इधर की तरफ, तो इसका कोई सिंगल फिजिबल सॉल्यूशन हमको प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने सारे पॉइंट लिख दिए, 0.8 है और यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 3, 1.5 और 3 और 2 है। ठीक है, इसमें हमको चार चीजें कट रहा है, एक यहाँ पे एक इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर हमारे पास सारे इंटीजर सॉल्यूशन मिल जाते तो हमको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पे हमारा 1.5 आ गया तो हमारा इंटीजर सॉल्यूशन हमको नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 क्या हो जाएगा लेस देन x1 हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू 1, और x2 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन फिर से आ गए, हम इसका फिर से निकालेंगे LPP। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, x1 इज इक्वल टू आया 3 और x2 इज इक्वल टू आया 3/2। ठीक है, 3/2 आया। ठीक है, यहाँ पे दोनों x2 है, 3/2 आया, तो इसमें हमारा मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू हमारे पास आया 9। तो क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन टू LPP ए इज ऑप्टेंड एज x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 3/2, मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू 9। ठीक है, द LPP ए डज नॉट गिव ए फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब LPP हम एक और LPP बनाएंगे, LPP सी एंड LPP डी। ठीक है, हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू जो हमको गिवन था x1 इज प्लस 4x2 था, यहाँ पे भी मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू x1 प्लस 4x2। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंस्टेंट हमारी क्या थी 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8 थी, और इधर भी 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8। फिर x1 प्लस 2x2 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 6 था, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर x1 हमारा क्या था लेस देन इक्वल टू 3, और x1 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, फिर x2 हमारा क्या आया था 1 और 2, लेस देन इक्वल टू 1 है, और x2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, x1 x2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए हम फिर से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी x1 इज इक्वल टू 3 जो हमारी पहले वाली ग्राफ थी, ठीक है, और ये 2 वाली, अगर हम 1 की करते हैं, ये हमारा 1 भी था, अगर हम 1 की करते तो ये नीचे होता और फिजिबल सॉल्यूशन इसका फिर से अलग होता, इसलिए हमने 2 की ली है। ठीक है, तो हमारे लिए ये, तो इसका हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला।
के तो हमारे कौन कौन से पॉइंट हो गए, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला, फिर वापस ये और ये, टोटल 5 पॉइंट बन जाते हैं, 4 पॉइंट ही बनेंगे। ये शायद इस वाले यहाँ पे थोड़ी डिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो 4 पॉइंट बनेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये हमको फिजिबल सॉल्यूशन नहीं देता है, इट डज नॉट फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका ही हुआ हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 वन इज इक्वल टू टू और x2 टू इज इक्वल टू भी टू हो गया, और मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो अब हमारा ये इंटीजर सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि x1 भी 2 आ गया और x2 भी 2 आ गया, इसका कोई फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं आया, इसलिए अब इंटीजर है। तो अब यह हम क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाउंडिंग द सॉल्यूशन x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू भी 2 इज ए फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, वी देयरफॉर रिसेट z इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब वापिस हम क्या करेंगे, 3 since there are no more branches, available, तो हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, अगर सबसे पहले हमको उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके दो पॉइंट निकलते हैं, जो हम बड़ा होता है उसको ले लेते हैं, फिर इसका फिजिबल अगर वो इंटीजर आ रहा है तो हमारा ये क्वेश्चन वैसे भी ऑलरेडी खत्म हो जाता है, पर अगर इंटीजर नहीं आ रहा तो उसकी ब्रांच बनती जाती है, और लास्ट में जब इंटीजर आ जाता है तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए।